हेलो, गुड देखी है मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हेलो, कैसे हो आप सब? मेरे चैनल चौधरी बरखा हरियाणवी ब्लॉग्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और आज मैं बनाऊंगी चुकंदर की सब्जी। इसमें लिए मैंने 2 टमाटर, 1 प्याज, 2 हरी मिर्च और एक इतना बड़ा सा चुकंदर है। और इसको मैं अब छील के साफ कर लेती हूँ और प्याज को काट लेती हूँ, टमाटर काट लेती हूँ, सब सामान तैयार कर लेती हूँ। कुछ अलग हटके बना रही हूँ मैं। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। चलिए करते हैं अपना काम शुरू। कढ़ाई गरम होने के लिए रख दिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तेल। ये तेल खत्म हो गया था इसमें, तो इसमें निकाल लिया है मैंने। और बाकी तेल इसमें भी खत्म है। अब देखो, मंगाते हैं किसी दिन खुलेगी दुकान तो। तेल गरम हो गया है, इसमें डाल रही हूँ मैं सूखे मसाले। एक लाल मिर्च, बड़ी इलायची और लौंग, तेज पत्ता, यही लिए मैं सूखे इलायची सूखे मसाले में मैंने। इसमें डाल देती हूँ जीरा। इसको मैं साथ के साथ काट लूंगी, ये मैंने छील के रख लिए। छील लिया है इसको मैंने, इसको साथ के साथ काट लूंगी। पहले छोड़ देती हूँ इसमें प्याज। जीरा हो चुका, मैं गिर देती हूँ प्याज। प्याज हो गई है हल्की सी, अब इसमें डाल देती हूँ हरी मिर्च। इनको होने देती हूँ थोड़ी देर। अब टमाटर डाल देती हूँ, प्याज हो गई है, भून गई है। फिर डालूंगी मैं इसमें सूखे मसाले, नमक मिर्च। टमाटर हो गए भून गए, मैं डाल देती हूँ इसमें सूखे मसाले। सूखे मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं, वही नॉर्मल से मसाले हैं, सिंपल। नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला। अब ये चुकंदर को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, छोटे छोटे पीस में। चलिए पहले मसाले डाल देती हूँ। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला और मिर्च। देखिए सूखी लाल मिर्च भी है इसमें, हरी मिर्च भी है, तो थोड़ी डालूंगी लाल मिर्च। और नमक आप जितना खाते हो अपने टेस्ट के अनुसार डाल लें। अब इसको थोड़ी देर भून लेंगे मसाले को।
टमाटर अच्छे से गल गए। अब इसमें मैं डाल देती हूँ चुकंदर। इसको अच्छे से मैश कर देती हूँ, मिला देती हूँ ताकि मसाले सारी सब्जी में मिल जाए। चुकंदर को पहले उबाल के भी बनती है सब्जी और फ्राई करके भी, लेकिन मैंने ये सिंपल तरीके से बनाई है। अभी दूसरी बार बनाऊंगी तो दूसरे तरीके से बनाऊंगी। पहले उबाल के कुकर में एक सीटी लगा के फिर छौंक लगाऊंगी। अब इसको ढक देते हैं, ढक के रख दूंगी। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको बनने में। मैं बना रही चाय और एक बार सब्जी को देख लेती हूँ। देखिए कितनी अच्छा कलर लग रहा है देखने में तो, पर अभी बनी नहीं है, कसर है अभी थोड़ी सी। मैं पी लेती हूँ चाय तो बना के फिर करूँगी आप लोगों से बाहर। चीनी में कमी पीती हूँ और डाल देती हूँ दो कप चाय बनानी है बस मेरे को। चाय उबल गई अच्छे से, इसे कर लेती हूँ कप में, छान लेती हूँ एक उबाल और लगा के। चलिए चाय पी लीजिए, तब तक सब्जी तैयार हो। ये सब्जी बन के तैयार है चुकंदर की, आसानी से कट रही है। देखिए इसे कुकर में बनाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें तो ये टाइम लेती है, 10 से 15 मिनट ले लेती है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ इस बाउल में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थोड़ी सी धनिया की पत्ती से सजा रही हूँ मैं इसको, अभी तो मिल रहा है धनिया। अगर ना हो आपके पास तो कोई बात नहीं, ऐसे भी अच्छी लग रही है सब्जी। आप भी जरूर बना के देखना, ट्राई करना एक बार जरूर।